ये पीएफएसी 2023 का जो पीएसटी पीटी एमएसटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो मिड दिसंबर है उसमें आपके होने के किसी भी टाइम स्टार्ट होने के संभावना है। तो रेगुलर रूप से कैंडिडेट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें अपियर होना है तो उनके मैसेज मिलते रहते हैं, प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जो कॉमन फॉर्म में होते हैं, उसको मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है प्रॉब्लम इन लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप के संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम आते रहता है, डाउट होते रहता है, तो इसके संबंध में मैं कुछ चीजें जो है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक चीज ध्यान रखो कि जो लॉन्ग जंप है, इनफैक्ट टू इवेंट्स आपके हैं जिसमें अभी 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप दोनों के लिए मेल और फीमेल, तो मेल के लिए आपका 3.5 मीटर है और फीमेल के लिए 3 मीटर है, तो दोनों को आपका 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 3 चांसेस मिलते हैं। ऑब्वियसली 3 चांसेस मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम जबरदस्ती 3 चांसेस लें, हमारा यदि 1 चांस में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जा रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन इन केस इफ नीड अराइजेस आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जो शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट आपका जो गोला फेंकना है तो उसमें ऑब्वियसली ओनली मेल के लिए है, तो बीच में देखोगे शुरू में 3 चांसेस मिलते थे लेकिन बीच में जो हो गया था लंबे समय तक वो 1 अटेम्प्ट ही मिल रहे थे। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स का दिक्कत हो जा रहा था तो कैंडिडेट्स ने बराबर कोशिश किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आई एम हैप्पी टू नो कि उसमें से जैसे एक मेरा स्टूडेंट है तो अनफॉर्चुनेटली अभी असिस्टेंट कमांडेंट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन चलो 2 जगह सिलेक्शन हो चुका है, एक स्टेट पीसीएस में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने कोशिश, मतलब एक उबो मैं और लोगों ने कोशिश किया, बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन उनका भी एक था, उनको रिप्लाई मिला कि यस ये कर दिया गया। तो शॉर्टपुट में अब 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो मेल के लिए ओनली प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग में आपके अटेम्प्ट सिंगल है तो उसमें से आप उसमें चैलेंजिंग ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम लॉन्ग जंप में। एक चीज ध्यान रखो जो लॉन्ग जंप है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, लॉन्ग जंप आप जब करते हो, अब ऐसा नहीं है कि आप उस 5 स्टेप्स को लर्न करो जानो नहीं, लेकिन जस्ट जनरली है एक चीज जान लो थोड़ा सा तो ठीक है। जब लॉन्ग जंप करते हो तो पहला स्टेप क्या है आपका, रनिंग। तो रनिंग है, रनिंग आपको डिपेंडिंग ऑन कि आप 20 स्टेप्स, 25 स्टेप्स, मीन्स 20 to 25, मैक्स 30 स्टेप्स ले सकते हो, तो 20 से 25 स्टेप्स बैक से आप रन करना स्टार्ट करते हो। तो रनिंग एक चीज ध्यान रखना, ये रनिंग बहुत मायने रखता है, रनिंग का जंप करने से जस्ट पहले, अभी हम और उन स्टेप्स पे आते हैं, तो जितनी आपकी स्पीड रहेगी रनिंग की उतना ज्यादा आप बॉडी को थ्रो कर पाओगे। जितना ज्यादा रनिंग है तो जैसे जैसे आप क्लोज पहुंचते जाते हो तो वो आपका रनिंग जो है वो ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा जंप कर पाओगे। तो रनिंग डिपेंडिंग ऑन स्टेमिना पर डिपेंड करता है। अब मान के चलो कि कोई पर्सन, आप 200 मीटर से दौड़ने लगोगे, जस्ट एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल लो कि 200 मीटर से, तो 200 मीटर से जब आप दौड़ने लगोगे तो जहां तक बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते तो आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो उतना आपको नहीं, 20 से 25 स्टेप्स। अब ये आपके पास अभी वन साइज डजंट फिट एवरीवन, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो आप अपने स्ट्रेंथ अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देख लेना 20 से 25 स्टेप्स के आसपास, मतलब कुछ लोग हैं कि 15 स्टेप, 16 स्टेप, 17 स्टेप्स में ही कर लेते हैं, लेकिन आइडियल जो है 20 से 25 स्टेप्स आपको करना है। तो रनिंग इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हो तो थोड़ा धीरे, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता है वो 20 से 25 स्टेप्स तुरंत हो जाता है, तो जैसे जैसे आप जैसे स्टार्ट करते हो आप बॉडी को स्ट्रेच कर लो और जैसे स्टार्ट करते हो स्पीड बढ़ाना शुरू करो और जहां जंप करना है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका स्पीड मैक्सिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया रनिंग, दूसरा है लास्ट 2 स्टेप। लास्ट 2 स्टेप्स जो है उस पर काफी ध्यान देना है, दो चीजें इसमें से ध्यान रखना है। एक तो ये है कि स्टेप इस फॉर्म में, अभी आपके पास प्रैक्टिस करने का मौका है, देख लेना कि कभी भी स्टेप जो है लाइन को टच ना करे, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा ये वाला स्टेप्स लिटिल लॉन्गर होना चाहिए, जो लास्ट का 2 स्टेप्स है वो थोड़ा लॉन्गर होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ये इधर जो होगा, जो आप 20 से 25 स्टेप्स के आसपास ले रहे हो तो इसमें इंक्लूडिंग 2 स्टेप्स, मान के चलो कोई 20 स्टेप्स ले रहे हो तो 18 स्टेप्स पहले और 2 स्टेप्स, तो लास्ट का 2 स्टेप्स लिटिल लॉन्गर हो तो ज्यादा बेटर होता है। तीसरा जो होता है आपका टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ में क्या है कि ध्यान रखो यहाँ कंप्लीट कि ना तो लाइन से बहुत दूर रहो और ना टच करो। अब मान के चलो यहां से आपको जंप करना है तो आप यदि यहाँ सपोज करो कि 30
सेंटीमीटर सपोज या 40 सेंटीमीटर इधर रह गए तो आपका ये नुकसान हो गया ना, तो न तो बहुत दूर रहो और न टच कर जाओ। तो टेक ऑफ करने वक्त ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद जो टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ इन द सेंस कि आपको बॉडी को जंप हवा में एक तरह से फेंकना है, थ्रो करना है, मोमेंटम देना है, तो उसमें से कोशिश करना है बॉडी को आगे करने के लिए। अब ये जो आपका चौथा स्टेप जो है एक्शन इन एयर, एक्शन इन एयर में क्या है, क्योंकि ये सारे जो एक्शंस है उसमें टाइम बहुत कम होता है, ये ध्यान रखो। हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक शब्द बोलते बोलते आप हो जाते हो, आप हवा में बहुत कम देर रहते हो। तो जब एक्शन रहते हो तो एक तो देखो, जैसे आपका नॉर्मल ये मान के चलो कि जो एयर है तो उतना आपका इम्पैक्ट नहीं है, वो सबके लिए सेम है। तो जब एयर में होते हो तो बॉडी को आगे की ओर करो, और लैंडिंग, लैंडिंग में हमेशा पीछे की ओर नहीं अपने को हाथ वाथ को करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम सपोज एक रैंडम चल रहे हो, कभी पैर फिसल जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा हाथ जो है पीछे चला जाता है। इसमें जब जंप करो तो हाथ को, बॉडी को, सारे बॉडी को आगे की ओर थ्रो करो। तो ये फाइव एक्शंस आप, फाइव आपके होते हैं, ठीक है। तो रनिंग, लास्ट टू स्टेप्स, टेक ऑफ, एक्शन इन एयर और लैंडिंग। तो इसमें सब में थोड़ा थोड़ा को ध्यान रखना है। अब रनिंग है तो आप देख लो कि कितने से होता है, मान ली 25 स्टेप्स देख लिए हमारा उसमें सही जा रहा है, ठीक है। कुछ ये है तो कम कर लो, एक दो ज्यादा लग जरूरत है तो एक दो ज्यादा कर लो। फिर स्पीड को आप पहुंचते पहुंचते बढ़ाओ। टेक ऑफ करते हो तो एंगल थोड़ा, जनरली एंगल वैसे टेक ऑफ के टाइम में कहा जाता है कि 20, अब आप नाप नहीं रहे हो ठीक है ना, तो 20 से 25 डिग्री करीब करीब होता है तो वो ज्यादा बेटर है, यानी कि जमीन से। तो अब देखो जैसे इसमें क्या है ना कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा करना है, अब हाई जंप तो करना नहीं है। अब मान के चलो कि डिग्री बहुत ज्यादा ये रख दोगे, सपोज 60 डिग्री 70 डिग्री, तो आप डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे ना, आप ऊपर तो जाओगे लेकिन आपको यहाँ ऊंचाई मायने नहीं रखता, यहाँ आपको जो है वो हॉरिजेंटली आप कितना दूर जाते हो। फिर आप एक्शन इन एयर, तो एयर में जितना होते हो तो आप कोशिश करो कि बॉडी को आगे की ओर करने के लिए, तो इसमें से ध्यान रखो ये। और लैंडिंग जब भी है आगे की ओर बॉडी को गिराओ, पीछे की ओर नहीं गिराना, पीछे गिराओगे तो आपका वो कम जाएगा, जहां आपका हाथ गिर गया, अब ऐसे है आगे आप पूरे गिरे, तो वहां एक चीज ध्यान रखो कि जो भी आपका लैंड होता है वो एकदम सॉफ्ट लैंड होता है, तो उसमें चोट लगने की आवश्यकता, मतलब चोट लगने की जो जरूरत ही है कि इन सेंस है कि जो शंका है, संदेह है कि चोट लग सकता है, तो वो इस ढंग से जुटा हुआ रहता है कि उसमें मिनिमम नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। अब देखो किसी का लक खराब है, कुछ ऐसी सिचुएशन, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं इस ढंग से बनाए हुए थे। आपको भी यही कोशिश करना है। अब ये देखो गांव वगैरह में तो बहुत दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप जाओ खेतों में मिल जाता है आपको उस ढंग का सॉफ्ट लैंड या ग्राउंड। शहर में कुछ जगह दिक्कत होता है, तो आप कभी कभी जैसे रनिंग आप डेली कर रहे हो, लॉन्ग जंप मान के चलो ठीक है, हम अल्टरनेट डे 2 डेज पर ये की है, और वो तो डिपेंडिंग ऑन है कि आपका यदि ठीक ठाक एक्शन चल रहा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और ये इंजूरी को एकदम अवॉइड करो, ठीक है, इंजूरी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आप अपने को हर एंगल से देख लो, हम ये जैसे जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हर पर्सन का अलग अलग है। कोई जस्ट इमेजिन करो कि कोई सपोज 170 सेंटीमीटर है, कोई 180 सेंटीमीटर है, कोई सपोज 166 सेंटीमीटर है, तो एक चीज देखो ना कि जिनका, वैसे जनरली जिनका 180 सेंटीमीटर है उनका थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। फिर दूसरा ये और है, वेट मायने रखता है, जिनका वेट कम है वो बॉडी को थोड़ा आगे थ्रो कर सकते हैं, तो बहुत दो चीजें मायने रखती है, बॉडी जो आपका हाइट है, बॉडी मास आपका यानी बॉडी वेट जो आपका है वो मायने रखता है, फिजिकली आप कितने एक्टिव हैं ये मायने रखता है, फुर्तीला आपका बॉडी कितना है, तो ये सारी चीजें मायने रखती है। तो वन साइज डजंट फिट एवरीवन, आप अपने को ध्यान रखो, आप अपने को, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखो कि रनिंग आपको देख करके करना है, तो सोचना है कि हाँ किस ढंग से कितना स्टेप्स हमको लेना है, लेकिन जैसे ही क्लोज पहुंचने लगो तो एकदम से बॉडी ये मतलब एकदम से स्पीड बढ़ा दो, जितना हो सकता मैक्सिमम पीक पीक स्पीड कर दोगे। ये जनरल साइंस है कि जितना आप स्पीड ज्यादा करोगे उतना आप ज्यादा ये कर पाओगे, कहीं भी आप देखो तो ज्यादा स्पीड है तो आप ये ज्यादा। अब जिस
चीता वगैरह को देखो कि बहुत फास्ट दौड़ता, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपने शिकार पे एकदम जंप करके, चीता बहुत जल्दी स्पीड में दौड़ता, सबसे ज्यादा स्पीड में दौड़ता है, तो वो क्या है अपने शिकार पर लंबे छलांग लगा करके दबोच लेता है। तो इसी ढंग से आप चीते की मानिंद, चीते की तरह वो आपको स्पीड ये रखना है। अब बहुत दूर से आप नहीं कर सकते हो, मैंने बोला ना 200 मीटर से आप करो और स्पीड में करो, तो आपकी एनर्जी ही खत्म हो जाती है, तो आपकी एनर्जी भी कंजर्व रहना चाहिए। अब फास्ट बॉलर को देखो, जनरली स्पिनर जो है वो बहुत कम रनिंग लेते हैं, रन अप लेते हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, संडे को फाइनल होना है, तो आप देखोगे कि जो क्या है कि जो आपके स्पिनर होते हैं वो बहुत कम रन अप लेते हैं, और लेकिन जो फास्ट बॉलर हैं वो फास्ट बॉलर ज्यादा लंबा ये रन अप लेते हैं तब बॉल फेंकते हैं। ये जनरल साइंस है, क्योंकि स्पीड जितना आप यदि बहुत फास्ट बॉल फेंक रहे हो तो आपके बॉडी में मोमेंटम होना चाहिए, आपके हाथ में मोमेंटम होना चाहिए, तभी तो आप फेंक पाओगे। तो वो ध्यान रखना है ये चीज को। फिर जमीन एकदम सॉफ्ट हो जितना ज्यादा, अब गांव में तो आप कहीं भी खेतों में कर सकते हो, अपने लिए बना सकते हो, या बना हुआ बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन शहर में आप देख लो किसी पार्क में ऐसा बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, वो आपको पता चल जाएगा वहां। और डाइट्स वगैरह पे ध्यान रखो, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कैंडिडेट्स ओवर वेट हैं, तो अब जब वजन आपका कम होगा, अब आप इसको ऐसे सिंपल सोचो ना कि आप अपने सर पे 20 kg का वजन रखो और अपने सर पे 25 kg का वजन रखो, 5 kg में अंतर पड़ेगा ना। अब आपको दौड़ने के लिए बोला जाए तो अंतर पड़ेगा, सेम सिचुएशन। आप बॉडी को, अब जो बहुत मोटे आदमी है ऑब्वियसली यहाँ जो भी कैंडिडेट्स होते हो तो आप उतने ज्यादा नहीं होते हो, लेकिन ओवरवेट तो होता ही है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, तो जो ओवरवेट हैं आप अपने वेट को लेकर के चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपको परेशानी होगी। जिनका कम होगा, छरहरा बदन जिनका है, स्लिम बॉडी है, तो वो अपना ज्यादा फेंक सकते हैं बॉडी को आगे। उसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है तो किसी भी टाइप में असिस्टेंट कमांडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, या मीन्स जनरल जो एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विस ये सब, तो ऑब्वियसली मैं पर्सनल लेवल पे कैंडिडेट्स को गाइड करते रहता हूँ, तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हैं इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909066 पे। ओके, थैंक यू।